बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोग देखे थे ये EMI स्टार्ट किए थे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसमें होता क्या, बेसिकली सब कुछ बता चुका हूँ फर्स्ट लेक्चर में, बट फिर भी उसको 5 मिनट के अंदर हम बाइंड अप करते हैं जितना आप फर्स्ट पार्ट इसका जो हम लोग सीखे थे वो। जैसे कि इसमें सबसे पहले हम लोग सीखते हैं क्या EMI में, इसको EMI बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। और इसमें बेसिकली फैराडे के एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करते हैं, फैराडे के एक्सपेरिमेंट को, ठीक है। फैराडे के एक्सपेरिमेंट को यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या था उसका एक्सपेरिमेंट किस हिसाब से, हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से। और बेसिकली एक स्टोरी टाइप कहानी है, जो स्टोरी टाइप हम लोग तुम लोग को समझाए भी थे स्टोरी टाइप एक, और उसमें था क्या इस तरह से कि पहला एक्सपेरिमेंट अगर उसका मैं चर्चा करूँ, पहला एक्सपेरिमेंट को देखूँ मैं, तो इस हिसाब से था। अगर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, ये बना रहा हूँ मैं मैग्नेटिक फील्ड, अगर वो इनसाइड है मतलब कि अगर सोचो इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई कॉइल को रख दिया जाए, ये बेसिकली वो देखा था एक तरह समझो तो फैराडे लॉ बोलते थे, फैराडे साहब ही देखे थे इस चीज़ को, इसकी रेडियस अगर आर में कर दिया, और मैं एक बार हुआ क्या इस तरह समझो कि मैग्नेटिक फील्ड अचानक से गायब हो गया, अगर गायब कर दूं अचानक से, ये जो जितने क्रॉस किए हुए ना अगर उसको मैं गायब कर दूं, तो देखा गया क्या जब ये गायब हुआ मैग्नेटिक फील्ड जब से यहाँ पे जीरो हो गया, बी घट के कितना हो गया जीरो, तो देखा क्या गया कि इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो कर रहा था, ठीक है। तो मतलब कि अगर इसको मैं एक बल्ब का एग्जांपल देके देखूं, एक बल्ब लगा दूं यहाँ पे, तो बल्ब हो जला, सिंपल सी बात है, ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 था उसका। सेकेंड नंबर अगर मैं बोलूं इस तरह से, वही मैग्नेटिक फील्ड है बट उसमें क्या हुआ, इस बार मैग्नेटिक फील्ड को मैं कॉन्स्टेंट कह दिया मतलब फिक्स कर दिया, ठीक है। थोड़ा ये सब फास्ट में हम लोग जल्दी जल्दी में खत्म करते हैं, क्योंकि ये सब ऑलमोस्ट हमें आपको बता चुके हैं। अगर कहीं मैग्नेटिक फील्ड को फिक्स कर दूं और यहाँ पे एक कॉइल ले लूं, फिर वैसा ही कॉइल गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट से हम क्या समझे कि मैग्नेटिक फील्ड गायब हुआ, बल्ब जला मतलब बल्ब ऑटोमेटिक तो जलेगा नहीं, इसमें कहीं ना कहीं करंट आ रहा था, ठीक है, करंट आ रहा था कहीं ना कहीं, तो ये भी सोचो कि कहीं ना कहीं बैटरी बना होगा, वैसे तो बल्ब जलेगा नहीं करंट आएगा कैसे, हमने तो इसमें कुछ किया नहीं फिर भी करंट कैसे आ गया। तो दरअसल बात है कि बी जीरो होते ही करंट दिखाई दिया, कुछ देर के बाद फिर से सपोज करो लाइट आया, लाइट आने की वजह से क्या हुआ मैग्नेटिक फील्ड बना, और मैग्नेटिक फील्ड बना तब भी फिर से लाइट जला। उसके बाद फिर ऐसा नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड रहने लगा यहाँ पे, ऑलरेडी अगर एग्जिस्ट करने लगा तो बल्ब जलते ही रह रहा था, ऐसा कुछ कहानी नहीं था। जिस समय बी गायब हुआ बल्ब जला, जब फिर से बी आया बल्ब जला, दो केस। अब यहां पे क्या हुआ, इसकी रेडियस अभी आर, इसको मैं फिक्स नहीं किया, इसको चेंज करने लगा, मैं चेंज बता रहा हूं, चेंज बताने का मतलब हो सकता है उसको फैलाओ, बड़ा कर दो, ठीक है, उसका साइज जितना पहले था उससे उसको क्या करो धीरे धीरे बड़ा करते जाओ, या तो फिर हो सकता है उसको साइज को छोटा करो। तो जब जब ऐसा किया मतलब कि रेडियस को चेंज जैसे जैसे किया, और जब तक किया तब तक ये बल्ब जलता रहा, जैसे इसको फिक्स कर दिया, रेडियस को फिक्स कर दिया, और मैग्नेटिक फील्ड तो ऑलरेडी कॉन्स्टेंट है ही, मैं यूनिफॉर्म मान लिया हूं, फिक्स मान लिया हूं, बल्ब जलना बंद हो गया। थर्ड एक्सपेरिमेंट अगर इसका मैं समझता हूं, ये दो एक्सपेरिमेंट हुए, थर्ड एक्सपेरिमेंट की अगर मैं बात करूं, थर्ड एक्सपेरिमेंट तो उसमें क्या देखा उसने कि अगर अब मैग्नेटिक फील्ड को भी मैं फिक्स कर दूं तो हुआ क्या, मैग्नेटिक फील्ड फिक्स कर दिया, फिर से वही अरेंजमेंट, गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है यहां पे, फिर से वो बल्ब लगा हुआ है, और बी को मैं क्या मान लिया कॉन्स्टेंट, मतलब बी फिक्स्ड है, लाइट वगैरह जाने का कोई टेंशन नहीं अपने को, है ना, इसकी रेडियस भी फिक्स्ड है, रेडियस भी फिक्स्ड है, और देखा क्या इस क्वाइल को ऐसे घुमाने लगा, ओमेगा स्पीड से क्वाइल को पकड़ के ऐसे घुमाने लगा। जब जब ऐसे घुमा रहा था, वो क्वाइल को घुमा रहा था, तो देखा ये बल्ब जला नहीं, मतलब करंट कितना हुआ जीरो, नहीं बल्ब जला, यहां करंट जीरो नहीं है, यहां कुछ ना कुछ तो करंट फ्लो कर रहा है, नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, यहां पर भी करंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो, बट यहां करंट क्या मिला जीरो, बल्ब नहीं जला ऐसे घुमाने से। अच्छा, थर्ड फोर्थ एक्सपेरिमेंट, बेसिकली ये कहानी टाइप बता रहा हूं, उससे मैं लास्ट में कंक्लूजन इसका लिखूंगा, क्या क्या कंक्लूजन यहां से मिला, ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में सारा एक्सपेरिमेंट यह हो गया, अच्छे खासे लंबे टाइम के बाद ये होते रहा देखते गए लोग। फोर्थ एक्सपेरिमेंट में क्या था, ऐसा सोचो मैग्नेटिक फील्ड अगर अंदर है, वही क्वाइल है,
वही गैल्वेनोमीटर के साथ, वही बल्ब के साथ, जिसकी रेडियस फिक्स्ड है, बी भी फिक्स्ड है, बी कांस्टेंट ले लिया हमें, बी कांस्टेंट, रेडियस को भी कांस्टेंट ऐसा मान लिया, दोनों को भी फिक्स कर दिया। अब बेटा क्या हुआ, इस क्वाइल को मैं ऐसे घुमाया, मतलब समझा जाए, ये क्वाइल पहले ऐसे था, इसको ऐसे घुमा रहे थे, कोई करंट नहीं आया। अब इस क्वाइल को ऐसे रख करके ऐसे घुमाओ, ऐसे इस हिसाब से घुमाओ उसको, तो क्या देखा गया, बल्ब जला, मतलब करंट नॉट इक्वल टू जीरो। अब हमें यह सोचना है कि किस केस में बल्ब जला, किस केस में बल्ब नहीं जला, कब बल्ब जला, कब बल्ब नहीं जला, जला, यही एक इंपॉर्टेंट कहानी बन गई बाद में कि ये बल्ब कब जलता है कब नहीं जलता है। तो यहां से भी एक अच्छा रिजल्ट मिलता है आप सभी के लिए, बेटा इसमें सोच के देखो थोड़ा सा कि बल्ब कब कब जल रहा है, जस्ट लाइक एक क्वेश्चन है उस हिसाब का, तुम्हें पकड़ना है यहां पर कि क्या हो रहा है कि बल्ब जल रहा है, यही EMI की शुरुआत है, समझ सकते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का शुरुआत है कि ये बल्ब जला क्यों और कब कब बल्ब जल रहा है, कब कब बल्ब नहीं जल रहा है। तो देखा क्या गया, समझने की कोशिश करो कि बेटा यहां पे एक टर्म को डिफाइन करता हूं मैं, जिसका नाम है मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसका नाम क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई, और ये मैग्नेटिक फ्लक्स फाई को मैग्नेटिक फ्लक्स बोल रहे हैं। फ्लक्स का मतलब नंबर ऑफ लाइंस, कितने लाइंस इस कॉइल को क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। तो देखा क्या गया, अगर मैं ऐसे फ्लक्स एक टर्म लेकर के डिफाइन करूं तो मैं क्या क्या देख रहा था, बल्ब कब कब जला, थोड़ा सोचो, बी को चेंज किया बल्ब जला, मतलब ये जो फ्लक्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड है, बी बदलने से ये चेंज हो रहा था, फ्लक्स मिल रहा था हमें, फ्लक्स में चेंज दिखाई दे रहा था, तो बी के प्रोपोर्शनल हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहां देखा जाए रेडियस बढ़ाने घटाने का मतलब हुआ इसका एरिया बढ़ रहा है, एरिया कम हो रहा है, ठीक है। तो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया भी हुआ, एरिया बदल रहा है तो फ्लक्स बदल रहा है, ये क्वांटिटी चेंज हो रहा है। इन सब में जो वो बात छुपी हुई है उसको बेसिकली मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, एक और देखा गया जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये एंगल, ये घूमने वाला, ये घूम रहा है, मतलब अभी एंगल फिलहाल कितना है, किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और इस कॉइल का एरिया वेक्टर या तो बाहर है या फिर अंदर है, ठीक है। और इस मैग्नेटिक फील्ड में इसको मैं घुमा रहा हूं, मान लो अभी इतना डिग्री एंगल पे है तो कुछ तो एंगल बन रहा है दोनों के बीच में, किसके बीच में, एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल बन रहा है कुछ। अभी एंगल कितना है, अभी 0 डिग्री या तो 180 डिग्री है, अच्छा कुछ देर के बाद एंगल कितना होगा, ऐसा कुछ होगा। तो इस केस में समझा जाए, अगर एरिया वेक्टर इधर है, ऐसे एरिया वेक्टर अगर ऐसे है, इस डायरेक्शन में समझो, एरिया वेक्टर इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो समझा जाए कि अगर एरिया वेक्टर ऐसे है मतलब कॉइल ऐसी है, और अगर कॉइल ऐसी है मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो दोनों के बीच का एंगल 90 है। 90 में थोड़ा समझो इस बात को, यही वो पंच लाइन है, समझो तो एक बार एक तरीके से कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, एरिया वेक्टर इधर है, दोनों के बीच एंगल 90 है, तो फ्लक्स की वैल्यू 0 है, क्यों, क्रॉसिंग समझो। अगर ये कॉइल को मैं अगर इमेजिन करता हूं, एक एक कॉइल है, तो ऐसे क्रॉसिंग अगर हो तो हम उसको फ्लक्स में काउंट में लेते हैं, इस टाइप के क्रॉसिंग को, इस टाइप के क्रॉसिंग को हम मैग्नेटिक फ्लक्स में काउंट में नहीं लेते है, यानी इस टाइप के क्रॉसिंग को हम मैग्नेटिक फ्लक्स में काउंट में नहीं लेते हैं। तो थोड़ा समझने की कोशिश करो कि एरिया वेक्टर इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, कैसा क्रॉसिंग है, इस टाइप का क्रॉसिंग है, और इस टाइप के क्रॉसिंग को फ्लक्स में हम काउंट में नहीं लेते हैं, है ना। मतलब कि एक वैसा यहां टर्म चाहिए था जो एंगल को इन्वॉल्व करे, और एंगल को इन्वॉल्व करने के साथ साथ वो ऐसा करे जो रिजल्ट को भी सेटिस्फाइड करे। तो हम लोग थोड़ा सोचते हैं, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है जो एंगल को इन्वॉल्व करा सकता है, और वो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म देखा तो क्या, साइन के साथ रख के देखता हूं, साइन थीटा रख के देता हूं, तो अगर साइन थीटा रखता हूं मैं तो प्रॉब्लम क्या है, साइन जब 90 डिग्री होगा एंगल यहां पे, फील्ड अंदर एरिया वेक्टर इधर, जब एंगल 90 डिग्री हो तो फ्लक्स 0 होना चाहिए, तो क्या कॉस 90 साइन 90 अगर रखू मैं तो साइन 90 की वैल्यू तो 0 नहीं होती है। इसलिए रिजल्ट को सेटिस्फाइड करे उस चीज को देखते हुए इसको बोला गया कॉस थीटा। अगर कॉस थीटा रखता हूं तो देख रिजल्ट सेटिस्फाई होगा, कॉस 90 एरिया वेक्टर इधर, फील्ड अंदर एंगल 90, अगर एंगल 90 है तो फ्लक्स की वैल्यू कितना है, 0 है, क्योंकि क्रॉसिंग ऐसा है। अभी क्रॉसिंग कितना है, एरिया वेक्टर या तो 0 डिग्री, मतलब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अभी एंगल कितना है, या तो 0 डिग्री या तो 180 डिग्री, और ऐसे केस में हमें फ्लक्स मैक्सिमम मिल रहा है,
तो अगर कहीं जीरो डिग्री रख दूं तो कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है, जो कि मैक्सिमम हमें देगा। मतलब कि यहां से जो ये टर्म मिला फाइव इज इक्वल टू, अगर सबको मैं मिक्स कर दूं एक साथ, बी ए कॉस थीटा, इसी को बोलते हैं बी डॉट ए। ऐसा ही बात हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में सीखते हैं, कहां पे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के केस में, वहां पर भी आता है ई ए कॉस थीटा। ठीक है, ये बना फाइव की वैल्यू, और ये फाइव बना जो, अब बच्चा बात ऐसा है कि अगर इस फाइव को चेंज करना है, फाइव को अगर चेंज करना है तो क्या करो, देखो करंट जब जब तैयार हुआ है, इसमें करंट जब जब फ्लो किया है, तब तब एक बात है, तो सब चीज इसके अंदर आ चुका है। अगर समझने की कोशिश करें, सब चीज यहां आ चुका है। कैसे आया, देखो फाइव इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। तो इतने सारे टर्म को ना कह के अगर मैं एक बात कह दूं कि जब जब फ्लक्स में चेंज होगा, जैसे सोचा जाए बी कॉन्स्टेंट, इसको भी कॉन्स्टेंट, एरिया चेंज करें फाइव चेंज होगा। अच्छा, इन दोनों को फिक्स कर दूं, बी को चेंज करो क्या होगा, ये दोनों फिक्स्ड है, बी को चेंज किए फाइव चेंज होगा। अच्छा, इन दोनों को फिक्स कर दिया, मैं चेंज किया एंगल को, थीटा को, अगर थीटा को चेंज करूं तब भी देख रहे हैं क्या, फाइव चेंज हो रहा है। मतलब सीधा कह सकते हैं, और ये हम नहीं, बेसिकली फैराडे साहब का कहना था कि जब जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होएगा किसी क्वाइल के थ्रू, किसी क्वाइल के थ्रू जब जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तब तब उस क्वाइल में करंट फैलेगा, करंट दौड़ेगा। तो फिर से अब बात ऐसी है कि यहीं से दो सवाल बनते हैं और ये पूरा चैप्टर का जनरेशन हो जाता है। मतलब इंट्रोडक्शन एक तरह समझो कि ये चैप्टर कैसे बना, उसके पीछे हम अभी जस्ट थोड़ी बहुत बात बताएं कि ये चैप्टर बना कैसे। दो क्वेश्चन तैयार हुए, क्या क्या क्वेश्चन सोच सकते हैं हम लोग। करंट आया, आया क्यों आया, पता चला कैसे, बल्ब जल रहा था, करंट आया। अब इस करंट का नाम है इंड्यूस करंट, और इंड्यूस करंट बोलने के पीछे कारण है, क्यों बोलते हैं इंड्यूस करंट, उसका भी कारण है, इसलिए कि हमने कुछ किया नहीं, ऑटोमेटिक हो रहा है, हम तो सिर्फ बी को चेंज कर रहे हैं, एरिया को चेंज कर रहे हैं, ये यहां पे घुमा रहे थे नहीं हुआ, यहां पे ऐसे घुमा रहे हैं तो करंट हो रहा है, तो हम कुछ किया नहीं, ऑटोमेटिक तैयार हुआ, इसलिए इसका नाम भी है इंड्यूस्ड करना। ठीक है, फिजिक्स में पूरे में जब भी हम कुछ कर रहे हैं ऑटोमेटिक हो जाए तो उसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड होना चाहिए। ठीक है, तो यहां भी करंट इंड्यूस्ड हुआ। तो यहां पे दो पहलू बनते हैं, दो क्वेश्चन बनते हैं कि ये जो इंड्यूस्ड करंट है उसकी औकात कितनी है, मतलब उसकी वैल्यू क्या है, हम कह सकते हैं, मतलब उसको बोल दे एक बार मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, और सेकंड नंबर क्या बोलते हैं उसको, डायरेक्शन। दो चीजें कि करंट इन सब में अभी चल रहा था, करंट था तो कैसे करंट दूं मैं, जैसे एग्जांपल समझूं मैं, इसमें करंट कैसे दे दूं, क्या करंट ऐसे दूं या करंट का डायरेक्शन ये दूं। तो दो क्वेश्चन तैयार हुए, दो क्वेश्चन इंड्यूस करंट के। हाँ, इससे पहले हम जरूर कह सकते हैं करंट अचानक से नहीं आया होगा, कतई नहीं, करंट आया होगा अचानक से नहीं आया होगा, उससे पहले ईएमएफ बना होगा, ईएमएफ मतलब बैटरी बना होगा, एक बैटरी बना होगा, और वो बैटरी कैसे बनाएंगे, हाँ कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस भी होगा, अगर क्वाइल है तो, है ना, थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस आएगा उसके अंदर। तो जो कुछ भी है, मतलब दो क्वेश्चन के थ्रू ये चैप्टर सिमट जाता है, इन दो क्वेश्चन का जवाब दे दें ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, कुछ और भी एक्स्ट्रा बातें आती है जिसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे हम लोग काम करते हैं डायरेक्शन पे, डायरेक्शन पे सबसे पहले हम लोग काम करते हैं डायरेक्शन पे, और डायरेक्शन पे क्या काम करते हैं, ऐसा सोचो कि ये डायरेक्शन कैसे देखेंगे बी का। तो डायरेक्शन देखने के लिए यहां पे साइंटिस्ट आते हैं, कुछ साइंटिस्ट जरूर आएंगे, ये एक इंपॉर्टेंट केस है हम लोग का, ये जो थर्ड केस फोर्थ केस जो भी था ये इंपॉर्टेंट केस है, बेसिकली यहां से एक नया चैप्टर बनता है जिसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट। कैसे, यहीं से उसकी जनरेशन है। आज भी हम लोग पावर प्लांट में, जो थर्मल पावर प्लांट हो चाहे जैसा भी प्लांट हो, हर जगह क्या करा जा रहा है, जहां जहां भी इलेक्ट्रिसिटी तैयार हो रही बेटा, हर जगह इसी चीज को घुमाया जा रहा है, कॉइल को। हाँ, वो अरेंजमेंट अलग अलग है कि कैसे इसको घुमाना है, चाहो तो बैठ के घुमाओ, करंट तैयार होगा, बल्ब जलेगा। ये छोटा सा प्रिंसिपल को लोगों ने यूज करके आज पूरी दुनिया को लाइट दे रहा है, समझो तो, पूरी दुनिया को। ये छोटा सा प्रिंसिपल है फैराडे का, और वो प्रिंसिपल आज लोग क्या कर रहे हैं, इस कॉइल को घुमाने के लिए हो सकता है पानी, टरबाइन पे पानी गिराओ डैम के पास, डैम से लोग वही कर रहे हैं, हो सकता है उसको वाष्प से घुमाओ, हो सकता है उसको मैकेनिकल चीज से घुमाओ, जनरेटर स्टार्ट कर दो, किसी तरह से एक कॉइल घूमना चाहिए। और उस चैप्टर का नाम है एसी, जो अल्टरनेटिंग करंट बनता है। आगे चल के इस चैप्टर के बाद वही हम लोग को पढ़ना भी है, पढ़ेंगे उसको भी, बट आगे चल के ये चीज मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा। ओके, चलो अब यहां से समझने की कोशिश करते हैं इस चीज की। ये दो जो क्वेश्चन तैयार हुआ, कौन कौन साइंटिस्ट आया इसमें, साइंटिस्ट आए खुद जिसका नाम है क्या चीज, फैराडे, फैराडे, और यहां पे एक साइंटिस्ट आएंगे जिसका नाम है क्या, लेंज। ठीक है, लेंज।
ये लेंज पे हम लोग सबसे पहले काम करते हैं, उसके बाद आएंगे मैग्नीट्यूड पे कि हाँ इंड्यूस करंट हुआ तो कितना हुआ, वैल्यू कितनी उसकी, भाई साहब वैल्यू तो बतानी पड़ेगी, ठीक है, और किधर हुआ करंट, किधर फ्लो किया, डायरेक्शन बताने के लिए आएंगे लेंज साहब, ठीक है। देखा जाए तो चैप्टर का शुरुआत हो गया कि लेंज आ करके क्या किया, उसने अपना करंट का डायरेक्शन बता दिया, और वो डायरेक्शन बताने से मतलब ऐसा समझते हैं, देखा जाए थोड़ी सी बात कर लेता हूं मैग्नीट्यूड की इसकी, ठीक है, ताकि अभी क्वेश्चन जब कनेक्ट करेंगे ना उस समय ये चीज काम आएगा। तो क्या हुआ मैग्नीट्यूड थोड़ा समझा जाए खुद से, ये जो क्वाइल था अभी इसमें अगर मैं ऐसा बात करूं, इस क्वाइल में समझा जाए बी को मैं चेंज कर रहा हूं, चेंज जरूरी है, कॉन्स्टेंट होना नहीं मांगता है, जरूरी नहीं कि बढ़ते जाए, जरूरी नहीं कि घटते जाए बी, बस चेंज होना चाहिए, कॉन्स्टेंट नहीं रहना चाहिए, तब तब करंट होएगा। सोचो ये रेडियस आ रहा है, बी को मैं चेंज कर रहा हूं, बी है किधर, अच्छा डायरेक्शन पे नहीं मैग्नीट्यूड पे बात करते पहले। हाँ बेटा बात ऐसी है कि जिस रेट से बी चेंज होगा, सोचो इस एग्जांपल का नाला करके ऐसे समझाऊं, इस क्वाइल को मान लो कोई बंदा धीरे धीरे घुमा रहा, हौले हौले घुमा रहा है, तब जो करंट मिल रहा था, अब कोई इसको फास्ट घुमाने लगे तब जो करंट मिलेगा, दोनों में फर्क है। मतलब क्या कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स बोल रहा हूं फाइव, डी फाइव बाई डी टी, इसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं छोटी सी वैल्यू को देख रहे हैं, डी फाइव बाई डी टी, जिस रेट से ये चेंज होगा, ये रेट है किसका रेट है, तो फ्लक्स का रेट है, जिस रेट से ये फ्लक्स चेंज होगा उस हिसाब से, उस रेट से बेटा करंट मिलेगा, बल्ब जल रहा था उतना वोल्टेज से, है कि नहीं। मतलब कह सकते हैं कि जिस हिसाब से इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू जो होगी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कह सकते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स का वैल्यू जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा फ्लक्स, उतना ज्यादा हमें ईएमएफ मिलेगा, उतना ज्यादा हमें करंट मिलेगा, है ना। मतलब कह सकते हैं ईएमएफ की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाइव बाई डी टी, ऐसा हुआ करेगा डी फाइव बाई डी टी। तो ये तो खैर आगे चल के आएगा, यहां पर ईएमएफ अगर कंप्लीट मैं बोलूं तो इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाइव बाई डी टी लेंगे, यही वो माइनस साइन बताता है किसको रिप्रेजेंट करता है, लेंज को, ठीक है। मतलब लेंज को सीखना जरूरी है सबसे पहले, तो हम लोग लेंज को लेकर के आते हैं और लेंज के बारे में बात करते हैं। क्या था लेंज लॉ, ऐसा कुछ लेंज लॉ, इनका मानना था ऐसा कि अगर कहीं करंट का डायरेक्शन देखना है, जैसे वो मूवी में है एक दो अमिताभ बच्चन की कहानी लोग समझाते हैं इस चीज में, यहां पर अमिताभ बच्चन है और जैसे एक मूवी था मोहब्बतें, उसमें शाहरुख खान अमिताभ बच्चन ये दोनों का मेन कैरेक्टर था। उसमें क्या था ऐसा कुछ कहानी में छोटी सी है कि अमिताभ बच्चन कभी नहीं चाहते अपने इंस्टीट्यूट में किसी भी टाइप का परिवर्तन हो, चेंज हो, नहीं चाहते, और नहीं होने देने के लिए, मतलब हमको नहीं चेंज होने देना है, उसके लिए उन्हें जो करना होता था वो करते थे। तो जबकि चेंज कौन करता था, शाहरुख खान, उसमें चल जाने दो कोई बात नहीं, वैसा ही कुछ नियम कानून इनका था। क्या था कि एक एग्जांपल से समझाता हूं, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड हमने मान लिया अंदर साइड है, इनसाइड है मैग्नेटिक फील्ड, और यहां पे एक क्वाइल है, और मैं कह रहा हूं बी बढ़ रहा है, बी बढ़ रहा है, इसकी रेडियस आ रहे, बी बढ़ रहा है, क्वाइल का साइज फिक्स्ड है, लेकिन बी बढ़ते जा रहा टाइम के साथ। अगर बी बढ़ रहा था, बी है किधर पहले यह देखा जाए, बी अंदर है और वो बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा मतलब इसके अक्रॉस जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं, चाहे कहो फ्लक्स है, वो चेंज हो रहा है, और अगर कहीं फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इसमें करंट आएगा, और करंट आएगा तो किधर आएगा, वही हम लोग को फाइंड करना है। तो बी बढ़ना कारण बना, करंट आने का कारण क्या है, बी का बढ़ना, तो अमिताभ बच्चन को याद किया जाए, वो बढ़ने देगा नहीं। अब अगर नहीं बढ़ने देना है तो हमें इतनी बात पता है कि अगर एक क्वाइल है कोई सा, अगर करंट ऐसा देता हूं मैं, तो करंट इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर तैयार होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे क्रॉस में तैयार होगा, ठीक है। और अगर कहीं करंट ऐसे देता हूं, उसका मतलब क्या हुआ, डॉट में मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगा। तो दिक्कत हमें किस बात से थी, मतलब परेशानी लेंज को किस बात से था, कॉज ऑफ प्रोडक्शन को मारना है, कारण क्या है, करंट आने का कारण क्या है, तो बी का बढ़ना कारण बना, और अगर कहीं बी का बढ़ना कारण है तो हम उसको मारते हैं। कैसे मारेंगे, क्या लाठी डंडा लेके खड़े हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं है, हमको दो रास्ते मालूम है ना, करंट ऐसे दोगे तो अंदर तैयार होगा, करंट ऐसे दोगे तो बाहर तैयार होगा। तो अगर बी अंदर बढ़ रहा है तो हम ऐसा करते हैं, बाहर तैयार करते हैं। तो कैसे तैयार होगा बाहर, बाहर तैयार करने के लिए हमें करंट ऐसे देना पड़ेगा, करंट ऐसे अगर हुआ मैग्नेटिक फील्ड बाहर तैयार होगा,
तो क्या कॉज ऑफ प्रोडक्शन गया कि नहीं गया? कॉज ऑफ प्रोडक्शन मर गया। कॉज ऑफ प्रोडक्शन का हमने अपोज किया, अपोज करने जैसे गया हमें पता चला करंट इधर होगा, यही डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट होगा, है ना। ऐसे करके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, दो चार पांच मैं दिखा देता हूं बेटा। देखो एक तरह से सपोज करो, मतलब कि बी का चेंज होना कारण था तो हमने बी उसी हिसाब से चेंज किया, बट बात ऐसा है कि फाई के फॉर्मूले में क्या क्या है, बी ए कॉस थीटा है, ओके। तो बी को चेंज करो, फाई चेंज होगा करंट आएगा। हाँ हो सकता है एरिया चेंज होना कारण बन जाए, अगर एरिया चेंज होना कारण बनेगा तो वहां पर भी हम लोग क्या करेंगे, उसका अपोज करेंगे। अच्छा एंगल चेंज होना कारण बनेगा, वहां भी अपोज करेंगे, मतलब तीन टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। अब ये तीनों टाइप के क्वेश्चन को मैं एक एक करके लेता हूं। जैसे मैं बोला इस तरह से, सपोज करो कि एक दे दिया करंट आई फ्लो कर रहा है इसमें, आई और करंट बढ़ रहा है, चाहे पहले इसको करते हैं, करंट आई है इसमें फ्लो कर रहा है, यहां पर एक क्वाइल है ऐसा, इस क्वाइल को अगर मैं उधर कॉन्स्टेंट स्पीड से ऊपर ले जाऊं इसके पैरेलल, तो क्या इसमें करंट आएगा कि नहीं, सबसे पहले ये सोचते हैं। तो ये सोचने जाओगे तो पता चलेगा चाहे करंट आ रहा है किधर करंट आ रहा है, तो करंट इसमें सबसे पहले आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा, कारण समझने की कोशिश करते हैं बेटा। हर जगह जो मैग्नेटिक फील्ड यहां तैयार होगा वो इनसाइड होगा, क्रॉस में होगा, हर जगह। और अगर समझा जाए ढंग से तो सपोज करते हैं यहां पर 10 फील्ड लाइंस जा रहे हैं इसके अंदर से, तो बेटा अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो आज भी तो 10 ही लाइन मिलेंगे यहां पर, कहां चेंज मिल रहा है, तो फ्लक्स में चेंज होगा ही नहीं, बी चेंज हुआ ही नहीं, एरिया चेंज हुआ ही नहीं, एंगल चेंज हुआ ही नहीं, तो फिर इसमें करंट आई इंड्यूस कितना होगा इसके थ्रू, आई बराबर जीरो, कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा। और एग्जांपल बहुत सारे हैं, ढेर सारे हैं। सपोज करो इसी क्वाइल को मैं अब इधर ले जा रहा हूं, हाँ अब इसमें करंट दिया आई जो कि इसके अंदर फ्लो कर रहा है, तो बात ऐसी है कि इसको जैसे जैसे दूर ले जाओगे तो देखा जाए मैग्नेटिक फील्ड अभी यहां पे कुछ है, आगे जाएगा कम होते जाएगा, और आगे जाएगा कम होते जाएगा, कम हो रहा है ना, चेंज चाहिए था, चेंज हो रहा है, तो करंट आएगा। तो थोड़ा सोचा जाए, मैग्नेटिक फील्ड यहां है किधर, इनसाइड है, अंदर साइड है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है और लेंस का मानना है, क्या मानना है ऐसा कुछ समझा जाए। अगर यह दूर जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड हर जगह एक जैसा नहीं है, एक जैसा नहीं मतलब घट रहा है, मतलब बी का कम होना कारण बनेगा, और जब बी का कम होना कारण है तो हम बी बढ़ाएंगे, तो बढ़ाओ जो किधर बढ़ाना है, बी कम हो रहा है तो हम बढ़ाएंगे, पहले देख लिया जाए बी है किधर, बी अंदर है और वो कम हो रहा है तो वो भी उससे पचाने जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है अंदर ही बढ़ाएंगे। तो अंदर कैसे करंट तैयार होगा, करंट जब ऐसे घूमेगा मतलब ऐसे करंट चलेगा तब अंदर मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगा, है या नहीं। तो ऐसे करके देखेंगे, क्वेश्चन ढेर सारा है, बहुत सारा, बट और भी देख लेते हैं एक दो। सपोज करा जाए करंट अंदर है, एक वायर है करंट अंदर है ऐसे, और यहां पे एक मैं क्वाइल रख दिया जाए। अब यहां पे क्या हम लोग ऐसे डिस्कशन में ले सकते हैं, करंट आई है क्या इसमें करंट होएगा या करंट जीरो होएगा, समझ के बताने की कोशिश करा जाए। तो देखा जाए मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे होते हैं गोल गोल इसमें, क्योंकि करंट अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन गोल गोल सर्कल में घूमेगा इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना रहा हूं, क्वाइल यहीं पे अंदर में है इसे, ये वाला क्वाइल है मेरा, तो क्या इसके अंदर ये जो क्वाइल है क्या इस क्वाइल में करंट आएगा या नहीं आएगा, तो करंट नहीं आएगा, समझा जाए क्यों नहीं आएगा। तो बात ऐसी है कि जिस टाइप का कट हमें चाहिए था, फील वाली बात है ये कि कट जिस टाइप का चाहिए था उस टाइप का क्रॉसिंग है ही नहीं, तो करंट की वैल्यू कितना है, जीरो है, या तो सोच सकते हो एंगल के हिसाब से, एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, तो करंट की वैल्यू कितना है यहां पे, जीरो, यहां भी करंट इंड्यूस्ड नहीं होगा। अच्छा और अगर समझते हैं, ये सब क्वेश्चन है छोटे छोटे जहां पे हमें देखना होता है फ्लक्स ये चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है, करंट आ रहा है नहीं आ रहा है। एक और डायरेक्शन देखते हैं, मान लिया जाए लास्ट क्वेश्चन होगा ये फिलहाल, ऐसी क्वेश्चन अनंत है जिसको देखेंगे हम लोग। मान लिया वी स्पीड से है, ये वी स्पीड से इसके अंदर क्रॉस किया, मैग्नेटिक फील्ड बस इतनी बाउंड्री लाइन में फिक्स्ड था मान लिया जाए इसे, और इसकी लेंथ मैं दे दूं अगर कहीं 2L और इसकी लेंथ दे दिया L और ये इसके अंदर जाना शुरू किया, तो हमें बताना है तीन सिचुएशन बना करके कि जब ये ऐसे होगा और जब ये ऐसे होगा और जब ये ऐसे होगा, तीनों ही केस में करंट किधर से फ्लो करेगा। हम लोग बेसिकली डायरेक्शन पे बात कर रहे हैं फिलहाल, और ये सारे क्वेश्चन जितना मैं यहां ला रहा हूं हर एक क्वेश्चन में
हम लोग इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, किसका, ईएमएफ इंड्यूस्ड का, हर एक केस में, ठीक है। तो समझा जाए इस तरह से, मान लिया जाए कि अभी यहां सोचता हूं मैं, जैसे ये अंदर गया तो देखा जाए मैग्नेटिक फील्ड बढ़ते जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ते जा रहा है, बेसिकली ये एरिया बढ़ने का क्वेश्चन हो गया है, यानी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है, बी का बढ़ना कारण बना, हम बढ़ने नहीं देंगे, बी है किधर, अंदर, और बढ़ रहा है, हम बाहर तैयार करेंगे, बाहर तैयार करने के लिए करंट ऐसे देना पड़ेगा, मतलब करंट ऐसे घूमेगा। अच्छा, यहां पे इसमें करंट इंड्यूस्ड जीरो, क्यों जीरो, फ्लक्स में चेंज ही नहीं है, जितने फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहे हैं, जब ये चल भी रहा है तब भी उतने ही फील्ड लाइंस हैं, एक भी क्रॉस, एक भी चेंज नहीं है, तो करंट की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो। हाँ, लेकिन जैसे ये बाहर जाने लगा, फील्ड की संग ये फ्लक्स की वैल्यू कम होने लगा, इतना ही तक तो था फील्ड, है कि नहीं, कम होने लगा, तो बी का घटना, बी का कम होना कारण है, और बी है किधर, अंदर, हम अंदर ही तैयार कर देंगे, कॉज ऑफ प्रोडक्शन को मारना है ना, तो अंदर ही तैयार करेंगे, अंदर ही तैयार करेंगे, मतलब ऐसे जाएगा वो, इस हिसाब से जाएगा, ओके। ये सब बातें हम लोग सिर्फ और सिर्फ अभी फील्ड के बारे में बात करें, तो जितने क्वेश्चंस बने हैं सबके लिए हम लोग फाइंड करेंगे क्या चीज, करंट की वैल्यू, इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू, और भी बहुत सारे एग्जांपल है, देख लिया जाए। मान लिया जाए कि ये कॉइल है, अंदर साइड है, और ये जेईई मेंस वगैरह के पूछे हुए सब क्वेश्चन है, एक एक करके सब हम लोग करेंगे ही। यहां देख लिया जाए, मान लिया जाए कॉइल ऐसे था, यहां पे वो फिक्स्ड है, और इसको मैं घुमा रहा हूं, इसको मैं ऐसे घुमा रहा हूं, कुछ देर के बाद ये कॉइल ऐसे बन जाएगा, यहां पे जाएगा ऐसे, कुछ देर के बाद कंप्लीट रूप से अंदर आ जाएगा, फिर धीरे धीरे बाहर आएगा, तो समझा जाए अल्टरनेटिंग टाइप का करंट मिलने वाला है हम लोग, एक बार क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, जिस समय ये अंदर जा रहा होगा उस समय बी बढ़ रहा होगा, तो बी का बढ़ना कारण बनेगा, तो बी बढ़ रहा है हम घटाएंगे, करंट ऐसे फ्लो कराएंगे, मतलब करंट इस डायरेक्शन में होगा, और जब ये अंदर कंप्लीट रूप से चला जाएगा तो बात ऐसी कि थोड़ा सा भी और इंतजार कर लिया जाए तो ये फिर से बाहर भी तो होने लगेगा ऐसे, मतलब बी का घटना पर कारण हो जाएगा, बी का कम होना कारण हो जाएगा, तब भी करंट आएगा, चेंज जरूरी है भाई सब चेंज, ठीक है। क्वेश्चन का अंत नहीं है, बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चन से डिस्कस किया जा सकता है, इन सब में थोड़ी बहुत मैं बात कर देता हूं, मैग्नेटिक मतलब इंड्यूस्ड करंट का कितना ईएमएफ तैयार होगा वो, ठीक है। इंटीग्रेशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं यहां पे, बहुत सारे बनते हैं, जैसे समझा जाए अगर मान लिया जाए इसमें करंट हाई फ्लो कर रहा है, एक कॉइल दे दिया मैं, अभी तो हम थोड़ी देर पहले बात किए थे करंट होएगा या नहीं होगा, होएगा तो कैसे निकालेंगे, सपोज कर लीजिए ए डिस्टेंस पे इसकी लेंथ एल है और ये वी स्पीड से इधर जा रहा है, थोड़ा सा मैग्नीट्यूड पे बात कर ले, मैग्नीट्यूड पे कितनी वैल्यू होगी, तो करंट यहां पे मैं दे दिया इस तरह से आई बराबर, ऐसा मैं कह रहा हूं I इज इक्वल टू आई नॉट इन टू टी स्क्वायर, इसको मैं ले नहीं जा रहा हूं, चला जाए थोड़ा डिफरेंट कुछ देखते हैं पहले, समझ जाए क्या करंट की वैल्यू फिक्स है क्या, नहीं, टाइम के साथ बढ़ रहा है, एक क्वाइल को कहीं नहीं ले जा रहा, वहीं रख दिया मैं। अब हमें बताना है कि इसमें कितना करंट इंड्यूस होगा, तो क्या प्रोसीजर होगा समझा जाए, सबसे पहले क्या करेंगे हम, एक छोटा सा स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करेंगे और कंसंट्रेट हो जाएंगे उस स्मॉल एलिमेंट पे जाकर के, उस स्मॉल एलिमेंट पे जाकर के, जो कि इंटीग्रेशन का मेथड है ना, कि ये छोटा सा एलिमेंट माना मैं एक्स पे जाकर के डीएक्स विड्थ का, डीएक्स विड्थ का, जिसकी ये वाली वैल्यू फिक्स जाए, जिसको हम एल बोले हैं, तो सबसे पहले सोचा जाए यहां पे करंट इसमें तो चल ही रहा है कितना, आई इज इक्वल टू आई नॉट इन टू टी का स्क्वायर। अब अगर मैं समझने की कोशिश करूं इस तरह से कि ये वाली साइड लेंथ ए है, ये वाली एल है, और हुआ है क्या, हम सबसे पहले अब निकालेंगे फ्लक्स में फाइ एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी, तभी तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे डी फाइ बाय डी टी, तो हमें क्या मिल जाएगा, ईएमएफ मिलेगा, मैग्नीट्यूड उसकी, और इसको अगर मैं डिवाइड कर दूंगा करंट निकालने के लिए तो ईएमएफ बाय उसकी रेजिस्टेंस, तो हमें क्या मिल जाएगा, करेगा करंट की वैल्यू। सिंपल प्रोसीजर है लेकिन इंपॉर्टेंट है ये फाइ निकालना, तो फाइ पे कैलकुलेशन पे जाते हैं हम लोग, थोड़ा सा देख लिया जाए एक बार, सिंपल होता है हाँ, लेकिन ये है कि इंटीग्रेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो अगर इसमें समझा जाए हम लोग निकालते हैं सबसे पहले डी फाई, क्यों डी फाई निकाले बेटा, भाई साहब ऐसा है कि छोटा सा एलिमेंट कियो, छोटा सा एलिमेंट पे काम कर रहे हो तो क्या बहुत बड़ा थोड़ी मिलने वाला है डी फाई, छोटा सा मिलेगा कुछ हाँ, लेकिन कितना मिलेगा, तो फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा, थीटा वगैरह कोई मैटर यहां फिलहाल है नहीं, क्या किया जाए बी को लिखा जाए, तो एक्स डिस्टेंस पे हमें मालूम है को एक स्ट्रेट वायर के वजह से एक्स डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, वो होता है म्यू नॉट आई बाय
टू पाई, मतलब म्यू नॉट आई बाई टू पाई इंटू सेपरेशन डिस्टेंस कितना एक्स इंटू एरिया। तो इसका अब किसका एरिया लिखा जाए, इस स्मॉल एलिमेंट का। हम बोले ना यहां से स्मॉल एलिमेंट कंसिडर कर लिया जाए, उस पर भूल जाए ये क्या है नहीं है, इसको तो बाद में देखूंगा जब लिमिट लगाऊंगा नागिन का, तो इंटीग्रेशन का, तो अभी तो फिलहाल मैं देखूंगा इस पे कंसंट्रेट होता हूं। मैं इतना यहां मान सकता हूं ना सब कुछ फिक्स्ड है, जितना छोटा एरिया लेंगे जितना छोटा सा एलिमेंट लेंगे उतना अच्छा रिजल्ट होगा, ठीक है, इंटीग्रेशन का वो असूल है। अब यहां देखा जाए एरिया कितना लिखा जाए इसका, तो ये रेक्टेंगल शेप में डीएक्स इंटू एल, मतलब एल इंटू डीएक्स। अब समझते हैं यहां पे क्या डी फाइव जो मिल रहा है हम लोग को, डी फाइव, डी फाइव तो डी फाइव इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन टू पाई इंटू एल भी ले लिया जाए, म्यू नॉट इंटू एल बाई टू पाई ले लिया जाए, यहां बच गया क्या आई, और आई मेरे को मालूम है कितना, आई नॉट इंटू टी स्क्वायर अपॉन कितना एक्स इंटू डीएक्स। अब अगर इसको समझा जाए तो डी फाइव इज इक्वल टू कितना मिल गया, मतलब एक तरह समझो यहां पे अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल फाइव मिलेगा हमें। तो इंटीग्रेशन करने से पहले यहां देख लिया जाए डीएक्स बाय एक्स है, तो यहां लिमिट किसकी लगेगी, एक्स की लिमिट लगेगी, तो एक्स की वैल्यू बताओ डी फाइव बाई डी टी, डी फाइव अगर लिख दू मैं डी फाइव इज इक्वल टू कितना लिखेंगे वहां से, छोटा सा मैग्नेटिक फ्लक्स लिख रहा हूं मैं म्यू नॉट, इसको इंटीग्रेशन कर दो यहीं पर डायरेक्ट यार प्लीज, ऐसे इंटीग्रेशन कर दिया जाए, लेकिन लिमिट यहां किसका लगेगा x का, तो x की वैल्यू सोचो कहां से कहां चेंज हुआ है, x की सबसे छोटी से छोटी वैल्यू a है, यहीं से तो शुरू हुआ है ये कॉइल, तो a से लेकर के a प्लस l तक, a से लेकर के a प्लस l तक, तो क्या मिल गया हम लोग को, phi इज इक्वल टू डी फाइव का इंटीग्रेशन phi, phi इज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, क्या मिल रहा है हम लोग को म्यू नॉट इंटू एल अपॉन टू पाई इंटू आई इंटू टी स्क्वायर, आई नॉट इंटू टी स्क्वायर, और 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स, लॉग एक्स बच्चा काम बन गया ए से लेकर के ए प्लस एल तक। अब फाइ एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी जो मिला हम लोग को कितना मिल गया, म्यू नॉट इंटू एल इंटू आई नॉट इंटू टी स्क्वायर अपॉन टू पाई, इसको अगर लिमिट पुट कर दिया जाए तो क्या बनेगा यहां से, लॉग लॉग ए प्लस एल माइनस लॉग ए, और लॉग ए माइनस लॉग बी होता है कितना, लॉग कितना बन जाएगा यहां से समझा जाए तो लॉग ए प्लस एल डिवाइडेड बाय ए। ओके, इसको स्लो भी कर सकते हैं हम लोग सीखने के लिए, सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट और समझते हैं। ये मिला हम लोग को फाइ इज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी। अब इसको हमको अगर ईएमएफ चाहिए, ईएमएफ तो ईएमएफ के लिए क्या कर लेंगे हम लोग, इसको डी फाइ बाय डी टी कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, यहां टाइम आया है ना, तो फाइ एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी मिला हुआ है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा इसका डिफरेंशियल, 2 इंटू म्यू नॉट इंटू एल इंटू आई नॉट इंटू टी डिवाइडेड बाय कितना 2 पाई इंटू लॉग ए प्लस एल डिवाइडेड बाय ए। ये मिल गया हमको ईएमएफ, हाँ लेकिन माइनस लगाना ना भूले, माइनस मैग्नीट्यूड की बात करें तो चलेगा प्लस में भी है ना, तो ये इतनी वैल्यू मिला हम लोग को, इस वैल्यू को क्या हम कह सकते हैं कि ईएमएफ एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी मिला, ई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी मिला, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब हम कह सकते हैं कि जो यहां ईएमएफ तैयार होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होगा। अच्छा अब करंट चाहिए तो आई बराबर ई बाय आर होता है, पुट कर दिया जाए, आर क्या यहां पे रेजिस्टेंस, किसका रेजिस्टेंस, उस कॉइल का। ये इंटीग्रेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसे क्वेश्चन अंत नहीं है, बहुत है और भी डिस्कशन में लेंगे जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके चला जाए।